कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। तो कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू होगा। सेकेंड फेज के ट्रायल के ज्यादातर वॉलंटियर्स फेज थ्री के ट्रायल का भी हिस्सा होंगे। वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी और ये 6 महीने के बाद दी जाएगी। तो इस वक्त की अहम खबर, भारत में कोवैक्सीन जो अलग अलग जगहों पर लोगों को दी जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उनमें से कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। कोवैक्सीन की बूस्टर डोज का क्लिनिकल ट्रायल आज से शुरू होगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेकेंड फेज के ट्रायल के ज्यादातर वॉलंटियर्स फेज थ्री के ट्रायल का हिस्सा होंगे। तो वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद ही बूस्टर डोज लगेगी और वैक्सीन की जो लोग 2 डोजेस ले चुके होंगे वो 6 महीने बाद बूस्टर डोज ले पाएंगे और इसका ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। तो कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। कोवैक्सीन की जो दूसरी डोज है उसके बाद ही बूस्टर डोज मिलेगी। वैक्सीन की जो 2 डोजेस ले चुके होंगे वो 6 महीने के बाद ये तीसरी डोज ले पाएंगे जो कि एक बूस्टर डोज होगी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फेज थ्री के ट्रायल का लोग जो हिस्सा बन रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो दूसरे फेज के ट्रायल का भी हिस्सा थे। तो ज्यादातर वॉलंटियर्स जो फेज थ्री के ट्रायल के लिए आज से जा रहे हैं वो फेज टू के भी ट्रायल में वॉलंटियर थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये जो बूस्टर डोज को लेकर ट्रायल शुरू हो रहा है ये एक बहुत अहम पड़ाव होगा पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का, क्योंकि ये जानकारी तो पहले ही दी जा चुकी है डॉक्टर्स द्वारा कि बूस्टर डोज लेने पड़ेंगे आगे चलकर। बिल्कुल अदिति, देखिए अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो ये दावा करे कि एक ही बार में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले कोवैक्सीन आगे आई और कोवैक्सीन ने ये कहा था कि हम तीसरे डोज के ट्रायल करेंगे। आज से वो ट्रायल शुरू हो गए हैं। 190 वॉलंटियर्स पर ट्रायल किया जाएगा अदिति। और ये भी बता दें कि इससे पहले जो कोवैक्सीन के ट्रायल चले थे उसी में से लोगों को चुना जाएगा, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें सेकेंड फेज के दौरान वॉलंटियर बनाया गया था। और सेकेंड फेज में हम ये भी बता दें कि सेकेंड फेज में सभी को वैक्सीन लगी थी। पहले और तीसरे ट्रायल में कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगी थी, कुछ वॉलंटियर्स को प्लेसिबो लगा था, लेकिन सेकेंड फेज में सभी को वैक्सीन लगी थी, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो सभी वैक्सीनेटेड हैं। और चूंकि सेकेंड फेज अक्टूबर 2020 में पूरा हो गया था तो उनके वैक्सीन लगे हुए वक्त को 6 महीने से ज्यादा का वक्त भी बीत चुका है, इसीलिए उन्हीं में से 190 लोग चुने जाएंगे। अब आज से उनको वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन पर भी 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि बूस्टर डोज कब लगाई जाएगी, कितने लोगों को लगाई जाएगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो आम आबादी को वैक्सीन लगवा रही है इस वक्त उनके लिए भी तीसरी डोज की जरूरत है या नहीं है और वो किस वक्त पर लगाई जाए, ये सब कुछ तय करने के लिए ये जो ट्रायल आज से शुरू हुए हैं ये बेहद अहम है। तो पूजा, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि फेज थ्री का जो ये ट्रायल है इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होगा कि कितने वक्त का इंतजार करना होगा जिसके बाद ये बूस्टर डोज लगेगी, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन्होंने पहले जो वॉलंटियर्स थे वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए, पहले डोज के लिए, दूसरे डोज के लिए, उनमें से ज्यादातर वॉलंटियर्स फेज थ्री यानी बूस्टर डोज के वॉलंटियर भी बने हैं। बिल्कुल, टेक्निकली अगर इसको देखें अदिति तो फेज थ्री हो चुका है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री हो चुका है कोवैक्सीन का, उसके बाद ही वैक्सीन बाजार में आई है। फेज थ्री में मैंने भी ट्रायल में हिस्सा लिया था, तो अगर उस लिहाज से सिलसिले में देखा जाए तो ये फेज फोर माना जाएगा। जी, जी। लोगों के समझने के लिए जरूरी है कि फेज टू में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान उन्हीं में से 190 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें फेज फोर में वापस इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाएगा। फेज फोर में कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, कुछ को प्लेसिबो लगाया जाएगा, ताकि ये समझ में आ सके एक ही बूस्टर डोज की कितनी जरूरत है और उसके कितने असर होते हैं। जब भी किसी वैक्सीन का ट्रायल होता है तो कुछ वॉलंटियर को प्लेसिबो यानी कि नॉर्मल ग्लूकोज की वैक्सीन आप समझ लीजिए दी जाती है और कुछ को असली वैक्सीन दी जाती है, लेकिन सेकेंड फेज में सभी को वैक्सीन दी जाती है। तो सेकेंड फेज में हम मान लेते हैं कि सबको वैक्सीन दे दी गई थी, अब उनके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, वैक्सीन ने जितना असर उन पर करना था वो किया जा चुका है, तो अब चौथे फेज में उन्हीं पर ट्रायल होंगे। इसमें आधे लोगों को वैक्सीन मिलेगी, आधे लोगों को प्लेसिबो यानी कि कोई नॉर्मल साधारण ग्लूकोज सलाइन कुछ भी कह लीजिए वो दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर इस स्टडी को देखने के बाद ये तय किया जाएगा कि आम आबादी को किस वक्त पर कोवैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।